हो वीर पुरुष माधव सिंह भंडारी जी की। और यहाँ पर आजकल गाड़ियाँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सोच रहा हूँ एक बाइक तो मेरे पास होनी ही चाहिए। तो माधव सिंह का जो बलिदान है वो आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान है, अपने बच्चे की बलि दे के गाँव तक पानी पहुँचाया। तो क्या आता मैं भाग भाग के आता पक्का? हाँ हाँ पक्का, हाँ ठीक है। यहाँ से सुरंग माधव सिंह भंडारी जी ने काटना शुरू किया था, पहाड़ का जो सीना है वो चीरना शुरू किया था, वो भी आप लोगों को दिखाया जाए। जैसा किस्मत में लिखा होगा वो तो होना है ही, मेहनत तो हमने भरपूर की थी। अंदर घुसेंगे फिर आप लोगों को वहाँ बताएंगे कि कैसा पूरा पहाड़ काटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ये आप देख सकते हैं। सुनसान माहौल है, कोई यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पर जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी हूँ मैं श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में। बहुत सारे कमेंट आते हैं जब भी मैं श्रीनगर की बात करता हूँ कि क्या ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है, तो नहीं, ये श्रीनगर उत्तराखंड गढ़वाल वाला श्रीनगर है। और यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की थी, और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बताया था जो यहाँ पर मैंने रूम ले रखा था वो कितना छोटा था, बिल्कुल मतलब उतना बाथरूम भी नहीं होता है, उससे छोटा मेरा रूम था। तो वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, तो वहीं पर पढ़ाई अपनी होती थी। बाकी मेरे साथ कल भी था आदि बिष्ट, तो आदि ने खूब प्यारे प्यारे गीत गाए थे, आप लोगों ने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। और श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, तो बाहर निकलने के लिए तो हो ही नहीं रहा है, कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो इतनी तेज़ धूप लग रही है कि फिर भागे भागे अंदर आना पड़ रहा है। इसीलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत रूम पे बैठे बैठे हो रही है। तो देखो अभी क्या होता है, मुझे अभी कहीं जाना है, निकलना तो पड़ेगा ही घर से, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे अपना कुछ भी काम होने वाला है नहीं। तो अभी मैंने आपको बोला था कि मुझे निकलना पड़ेगा श्रीनगर से बाहर, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापसी मलेथा की ओर, जहाँ पर परसों रात मैंने स्टे किया था। और मेरा जो भांजा मेरे साथ आया था, तो भांजा मेरा अभी जोशी अंकल के घर मलेथा में ही है, तो उसका आज एग्ज़ाम है, तो उसको लेने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। बैठो बैठो बैठो, कहाँ तक उपड़ा, उपड़ा। हाँ। पहाड़ों की रानी हिमगिरी एक्सप्रेस। तो मैं पहुंच चुका हूं कीर्तनगर, और जो ये पुल है ना, तो इस पुल के साथ भी अपनी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि श्रीनगर से मैं दौड़े दौड़े सुबह मॉर्निंग में आता था यहां तक, और यहां से फिर वापसी जाता था। तो आर्मी की मैंने बहुत तैयारी की, लेकिन किस्मत में नहीं था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मैं बाहर भी ऐसी चीज़ में हुआ ना, जो मेडिकल दांत का था ना उसमें एक पॉइंट कम हो रहे थे, तो उस एक पॉइंट की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया आर्मी। पर चलो जैसा किस्मत में लिखा होगा वो तो होना है ही, मेहनत तो हमने भरपूर की थी और अभी भी लगातार लगे रहते हैं। मलेथा का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं पहुँच चुका हूँ मलेथा की भूमि में, और मलेथा की जो भूमि है ना वो माधव सिंह के नाम से जानी जाती है। और माधव सिंह भंडारी जी ने जो मलेथा के लिए बलिदान दिया है ना भाई, उसके बारे में क्या कहें। अगर आप उनकी कहानी सुनोगे, उनके बारे में जानोगे ना, तो आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे, ऐसा बलिदान उन्होंने दिया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पर आपको ले कर चलूँ, और फिर उनके बारे में डिटेल आप लोगों को बताऊं। और उन्होंने यहाँ पर जो खेती है ना उसके लिए वो बड़ा बलिदान दिया है, इसीलिए जो मलेथा की भूमि है ना वो खेती के लिए काफ़ी जानी जाती थी कुछ साल पहले तक, लेकिन अब यहाँ पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ के लोगों ने यहाँ की जो खेती है वो रेलवे में दे दी है। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि ज़्यादा खेती होगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेशन यहाँ पर रेलवे का बन रहा है, तो आधी से ज़्यादा तो भूमि उसी में चले गई है। और यहाँ देखो यात्रा तो आजकल जोरों शोरों से चल रही है, केदार बद्री और साथ साथ में यमुनोत्री गंगोत्री। देवप्रयाग यहाँ से है 25 किलोमीटर भाई, चले जा रहे इसके 85 किलोमीटर। तो अपने भांजे को लेने के लिए मुझे यहाँ नीचे जाना है जहाँ रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है,
लेकिन वहाँ जाऊँगा बाद में, जो मैं पहले बोल रहा हूँ ना, जो माधव सिंह जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और वहाँ की जो जानकारी है वो थोड़ा आप लोगों को दे देते हैं। तो मुझे यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ से आगे पैदल है, यहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपनी बाइक। रोड से मैं ऊपर आ चुका हूँ लगभग 100 मीटर, और मुझे थोड़ा और ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो जब मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा रोड से यहाँ की जो दूरी है वो कितनी है। फ़िलहाल एक बार मैं पहुँच जाऊँ, और अभी ना बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, ऐसी धूप में तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और चलो, यहाँ आया हूँ, और जो हमारे वीर माधव सिंह भंडारी जी थे उनकी अगर प्रतिमा मैंने नहीं देखी और उनकी जो जानकारी है वो आप तक नहीं पहुँचाई तो मतलब ये गलत बात है। तो चलिए, लगभग 200-250 मीटर चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पर खूबसूरत सी प्रतिमा है वीर पुरुष माधव सिंह भंडारी जी की, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जय हो वीर पुरुष माधव सिंह भंडारी जी की, जय हो। तो सामने अभी महान योद्धा, महान पुरुष जो माधव सिंह भंडारी जी हैं उनकी प्रतिमा मैंने दिखाई, अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रांगण है, तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और दर्शन तो मैंने आपको करा दिए हैं माधव सिंह भंडारी जी की प्रतिमा के। अब उनके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि वो कौन थे और उन्होंने क्या इतना बड़ा बलिदान दे दिया कि उनके बलिदान को देख के ना आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो माधव सिंह भंडारी जी जो थे वो थे एक महान योद्धा, वो सेनापति थे, श्रीनगर में एक राजा थे। प्रॉपर नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं। महिपात शाह एक राजा थे श्रीनगर के, तो उनके सेना नायक ये थे, सेनापति ये थे। तो मतलब एक कुशल योद्धा थे, एक कुशल इंजीनियर भी ये थे। तो उनकी जो ये मलेथा गांव से हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो वो बोलते हैं कि आज से 400 साल पहले यहाँ पर इनका मलेथा गांव में जन्म हुआ था, और ये काफ़ी बचपन से ही कुशल थे। इनके पिताजी भी एक महान योद्धा थे, सेनापति थे। तो जब ये भी बड़े हुए तो ये भी श्रीनगर महिपात शाह के सेना में चले गए और वहाँ पर सेनापति बन गए। बाकी बात करूं मैं बलिदान की, तो ये कहानी शुरू होती है जब वो सेनापति थे, तो बीच में वो आए थे अपने गांव मलेथा। तो उस दौरान जब उनकी पत्नी ने उनको खाना दिया, तो वो खाना दिया बिल्कुल रूखा सूखा, तो उसको देख के इनको बड़ा गुस्सा आया कि मैं वहाँ सेना अध्यक्ष हूँ, सेनापति हूँ, मैं वहाँ पर इतना अच्छा खाना खाता हूँ और घर में मेरी ये हालत है, ऐसा खाना आप मुझे दे रहे हो। तो उनकी पत्नी ने बोला कि यहाँ पर पानी नहीं है, सब रूखा सूखा है, खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं कहाँ से आपको अच्छा खाना दे दूँ। तो उस दिन ये चीज़ें सुन के ना जो महान योद्धा हैं हमारे माधव सिंह भंडारी जी, उनको बड़ा दुख हुआ और पूरी रात उनको नींद नहीं आई। और फिर उन्होंने इस विषय पर सोचा कि मुझे कैसे भी करके पानी लेके आना है अपने गाँव मलेथा तक। बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान थी, जो बहुत बड़ी पहाड़ी थी मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दो नदियाँ थी, एक नीचे की साइड है अलकनंदा, तो वहाँ से पानी लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन एक दूसरी नदी थी, वहाँ से भी पानी लाना मुश्किल था, लेकिन थोड़ा उनको लगा कि ऐसा हो सकता है वो नदी जो है वो यहाँ नीचे है। और इस नदी का नाम है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ ये नदी है, तो इस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। तो उन्होंने डिस्कस किया अपने गाँव वालों से कि वहाँ का पानी हम यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जब जब उन्होंने ऐसी बातें की तो सब ने उनका मजाक उड़ाया, उनका हास्य किया कि कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा पहाड़ है, जो यहाँ नदी है इसका पानी वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने खुद अपने आप ही इस पहाड़ के सीने को चीरने का मतलब निर्णय लिया, पहाड़ को तोड़ने का निर्णय लिया, वहाँ से सुरंग बनाने का निर्णय लिया। तो उन्होंने काफ़ी दिन, जो आपने मांझी जी की कहानी सुनी होगी ना, तो उन्हीं के जैसे इन्होंने किया, उन्होंने पहाड़ काट के रोड बनाई थी और इन्होंने पहाड़ के अंदर सुरंग बना के अपने गांव तक पानी ले गए। लेकिन इतना आसान वो था नहीं, तो उन्होंने लगे रहे वो ये पहाड़ काटने पे। बाद में कहते हैं कि गांव वालों ने जब उनको इतनी मेहनत करते हुए देखा तो उनके साथ गाँव वालों ने भी काम किया, तो उन्होंने गाँव तक जैसे तैसे करके सुरंग पहुँचाई, पूरा पहाड़ का सीना चीर के सुरंग बनाई। तो
सुरंग बनाने के लिए बना दी, लेकिन वहाँ पर फिर भी पानी नहीं गया तो बड़ी समस्या आ गई। तो यहाँ पर भी उनके जो लड़के थे गजे सिंह, तो उनका नाम भी जोड़ा जाता है कि उनका जो बलिदान है वो इसी नहर पे हुआ है। तो क्या कहानी है वो भी दो भागों में है, मैं अपने उसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुनी है और आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप लोगों को ये कहानी वहाँ पर मिल जाएगी। पहली कहानी यह है कि इन्होंने अपने पत्नी को हिदायत दी थी कि गजे सिंह सुरंग के आसपास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मतलब वहाँ पर काम चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन गजे सिंह अपनी मर्जी से वहाँ पर चले गया और फिर ऊपर से पत्थर आया और उसके सिर पे लगा, तो उनका बलिदान गजे सिंह का वहीं पर हो गया। और दूसरी कहानी यह है कि सुरंग बन गई, पानी जाना चाहिए था, पानी नहीं जा रहा है, बड़ी परेशान हो गए थे माधव सिंह भंडारी जी। बाद में एक दिन रात को उनके सपने में माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि अपने बच्चे की बलि आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके पानी आएगा। तो वो तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने बताया होगा घर में, तो सुन लिया किसने, गजे सिंह उनके बेटे ने। तो गजे सिंह ने खुद अपने आप बोला कि पिताजी मेरा बलिदान देके अगर गांव वालों के लिए पानी आता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो फिर कहते हैं माधव सिंह भंडारी जी ने अपने बेटे की बलि वहाँ पर दी सुरंग की शुरुआत में, और फिर जाके वो पानी सुरंग के अंदर गया और फिर गाँव में पहुँचा। और 400 साल पहले ये बातें हुई थी और उसके बाद से जो पूरा मलेथा गांव है वो हरा भरा हो गया, पानी के लिए जो तरस रहा था वो पानी ही पानी हो गया, खेत खलियान खूब हरे भरे हो गए। तो ऐसी कुछ कहानी थी यहाँ की। तो माधव सिंह का जो बलिदान है वो आप सोचिए कितना बड़ा बलिदान है, अपने बच्चे की बलि देके गांव तक पानी पहुँचाया। तो ऐसी कुछ बातें हैं, तो मैंने सोचा इतनी बड़ी बात है हमारे नज़दीक में तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं आया और इनकी जो कहानी है वो मैंने आपको बताई है। और माधव सिंह भंडारी जी तो मतलब एक महान योद्धा थे, तिब्बत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, आप गूगल सर्च करके सब चीज़ें पढ़ सकते हो। बाकी माधव सिंह भंडारी जी की जो प्रतिमा है वो मैंने आपको दिखा दी है, अब बारी आती है जिस सुरंग के लिए उन्होंने अपने बच्चे का बलिदान दिया, वो सुरंग भी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो मलेथा जो गांव है वो सामने है और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो ये पूरा एरिया में जो काम चल रहा है तो वो है रेलवे का। तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन मैं बोल रहा था आप लोगों को बनने वाला है मलेथा में, तो वो यहीं पर बनने वाला है, यहाँ से लेकर उधर आगे तक मलेथा गाँव तक रेलवे का ही काम चल रहा है। और जो रोड है वो ज़्यादा दूर यहाँ से है नहीं, मात्र 200-250 मीटर की दूरी पर ही ये है। वो नीचे आप देख सकते हैं वहाँ पर रोड है और वहाँ से कुछ ऐसे जिगजैग रास्ता है और फिर मैं यहाँ पर पहुँच गया। जय हो माधव सिंह भंडारी जी। अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ जिस सुरंग के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पर हर साल मेला लगता है, कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक मेला हुआ है, मैंने वो वीडियो किसी न किसी चैनल पे तो देखी है, अगर आप लोगों को मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आने वाले टाइम पे जब यहाँ पर मेला होगा तो ज़रूर उस दौरान मैं यहाँ पर आऊँगा और कैसे फिर मेले में जो भी उनकी कहानी रही होगी उसको फिल्माया जाता है अच्छे तरीके से, तो वो मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ नदी की ओर। और जो यहाँ का रास्ता है वो आप देख सकते हैं कैसा है, पैर फिसला तो मैं लुटकते लुटकते वैसे भी नदी में पहुँच ही जाऊँगा। और कभी ये पुल बिल्कुल अच्छा रहा होगा लेकिन एक साइड को टूट गया है, तो इस वजह से देखो कैसा हो गया, बिल्कुल तिरछा वाला और गिरने का खतरा भी हो रहा है, कहीं टूट गया तो हो गया फिर। और जो नदी है वो आप देखिए, तो यही नदी चंद्रभागा नदी है। तो नदी तो मुझे मिल गई है, ये नदी आप देख सकते हैं, लेकिन जो सुरंग है वो कहाँ से जा रही है उसी की मैं अभी खोज कर रहा हूँ। और जो यहाँ का पानी है वो देखिए बिल्कुल साफ साफ पानी देखने को मिल रहा है, और यहाँ से भी ऊपर कहीं से पानी आ रहा है, ये देखो कितना फोर्स से। तो थोड़ा सुरंग की ढूंढ करते हैं, अगर यहाँ से सुरंग दिख गई तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर सुरंग समाप्त हो रही है आगे की साइड को वहाँ तो रास्ते पर ही है, तो वहाँ मैं आप लोगों को दिखाई दूँगा। लेकिन एक बार कोशिश करते हैं कि जहाँ से सुरंग माधव सिंह भंडारी जी ने काटना शुरू किया था, पहाड़ का जो सीना है वो चीरना शुरू किया था, वो भी आप लोगों को दिखाया जाए। और आजकल सबसे बड़ी दिक्कत है सांपों की, तो वो डर भी मुझे अलग ही लग रहा है।
चलने के लिए तो वहाँ सामने से लेकर यहाँ आगे तक मैं चले गया हूँ, लेकिन मुझे सुरंग तो देखने को नहीं मिल रही है। बाकी हो सकता है उस साइड को भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डर भी लग रहा है। बिल्कुल सुनसान माहौल है, कोई यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी यहाँ पर ऐसे एरिया में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं अब वापसी करने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर आ गया ना, यहाँ ऊपर इतना ख़तरनाक जंगल है, यहाँ भी तो दोनों साइड से जंगली जंगल है, तो इसीलिए मेरी सुरक्षा इसी में होगी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और आप लोगों को जो सुरंग है वो ऊपर से तो मैं दिखा दूँगा। नदी क्रॉस करनी है पर कैसे करें। ओहो, पानी में गिर गया, हाय हाय पूरा भीग गया। तो अभी जो चप्पल हैं वो मुझे हाथ में लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिसलन हो रही है और मुझे ये पुल चढ़ना है अभी ऊपर। ये देखो, दोस्तों भागे भागे वहाँ से मैं आ चुका हूँ दूसरी साइड, और वहाँ पर माहौल बहुत डरावना था भाई, इसीलिए भागे भागे मुझे आना पड़ा। और अभी मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर वो सुरंग है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी, ऐतिहासिक गुलग्राम मलेथा टिहरी गढ़वाल। तो ये वो गुफा है जो माधो सिंह भंडारी जी ने पहाड़ी का सीना चीर कर बनाई है। और यहाँ अंदर बाहर से तो आपको लग रहा होगा कि ये अभी अभी बना हुआ है, तो ये अभी अभी ही बना होगा, लेकिन अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ अंदर पूरा पहाड़ है। इतनी दूर से मैं आपको सही से नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अंदर जाना मुझे सही नहीं लग रहा है। और अंदर जाना अलाउड भी है या नहीं है वो मुझे पता नहीं, कभी आज्ञा लेके अंदर घुसेंगे फिर आप लोगों को वहाँ बताएंगे कि कैसा पूरा पहाड़ काटा हुआ है। थोड़ा थोड़ा ये आप देख सकते हैं, ऐसा पहाड़ कुछ काटा हुआ है, और पानी वो नीचे नदी से यहाँ आ रहा है, और इसमें बहुत सारी मच्छियाँ ही मच्छियाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। तो पहाड़ को काट के और अपने बच्चे का बलिदान देके माधव सिंह भंडारी जी ने ये गुफा बनाई है। ये मन तो बहुत कर रहा है अंदर जाऊँ और आपको पहाड़ कैसे काटा हुआ है छेनी हथौड़ी से वो आपको दिखाऊँ, लेकिन नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कभी जो है अनुमति मिलेगी तो ज़रूर आपको अंदर लेके जाएंगे, फिर आपको अच्छे से वहाँ दर्शन कराएंगे कि कैसे पहाड़ को काटा हुआ है। तो यहाँ से देखने में ही ऐसा लग रहा है पहाड़ ऐसा तिरछा तिरछा काटा हुआ है, तो अंदर तो मतलब क्या गज़ब काटा होगा भाई। तो मैंने एक वीडियो तो देखी थी, कोई तो गया था वहाँ अंदर, लेकिन मैं नहीं अभी जाने वाला हूँ, क्योंकि बिना परमिशन के कोई काम करना सही नहीं है। तो चलो, माधव सिंह भंडारी जी की जो नहर थी जो मैंने आपको दिखा दी है, और यहाँ देखो वहाँ नदी से ना कितना सारा पानी आ रहा है। हाँ हाँ मिलने जाना है, अभी वापस आना है। हाँ दे दो। तो रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसीलिए एंट्री करना बहुत ज़रूरी है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ताकि यहाँ अंदर तो धूल ही धूल खाने को मिलेगी एकदम बढ़िया तरीके से, क्योंकि काम ही कुछ इतना बड़ा चल रहा है। रास्ता ही भूल गया मैं। ठीक अंकल जी, ओके ठीक है, मिलेंगे फिर है। हाँ हाँ ठीक है, मिलेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है।
हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मलेथा से मैं श्रीनगर पहुंच गया हूं और अभी ऐसा जाम लगा हुआ था ना, मुझे डर था कि कहीं रजनीश का पेपर छूट ना जाए, क्योंकि आजकल यात्रा में कोई भरोसा नहीं है। लंबा जाम लग गया तो हो गई बड़ी दिक्कत। तो रजनीश अभी जाएगा पेपर देने के लिए और मैं अब रजनीश का इंतज़ार करूंगा जब तक उसका पेपर समाप्त होता है। भाग भाग भाग। तो रजनीश को उसके एग्जाम सेंटर छोड़ के मैं वापसी आ गया हूँ आदि के घर पे और आदि खुश हो गया मुझे देख के। आदि न जाना मैं चले गया अपने घर। हाँ। पर मुझे पता था आपको बैग यही है, खाली खाली हाथ तो नहीं जाते। अच्छा बैग यही था, अच्छा ये अच्छा हुआ है। और रजनीश का जो एग्जाम है वो समाप्त होगा सीधे 6:15 पे और अभी टाइम बज रहे हैं 2:30। आराम करते हैं थोड़ा ना। ओके बाय बाय। तो आदि तो बिल्कुल भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था मुझे और रो भी रहा था। है चल ठीक है फिर आऊँगा मैं। है अब भी आता मैं। भाग भाग के आता पक्का। हाँ हाँ पक्का। हाँ ठीक है ओके बाय। हाँ हाँ आऊँगा मैं ठीक है। हाँ चल ठीक है बाय। चलो रजनीश भी मुझे मिल गया है और बैठ गया है। बाकी अब हमारी तैयारी हो चुकी है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाने की। और श्रीनगर तो मतलब बहुत भीड़ है भाई यहाँ, और आजकल ऊपर से यात्रा चल रही है तो जाम ही जाम। तो आगे जो ये 2-3 किलोमीटर का रास्ता है ना, वो पूरा ऐसा ही जाम जाम वाला देखने को मिलेगा। तो ये है जी श्रीनगर स्टेशन, जहाँ से आपको गाड़ियाँ मिलेगी श्रीनगर से नीचे के लिए और ऊपर के लिए। और यहाँ पर आजकल गाड़ियाँ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए सोच रहा हूँ एक बाइक तो मेरे पास होनी ही चाहिए जो इमरजेंसी में मेरा साथ दे, क्योंकि अगर अभी बाइक नहीं होती तो फिर आज भी यहीं पर रुकना पड़ता। तो अभी देखिए अंधेरा हो गया है और रास्ते में ही हमको अंधेरा हो गया था और आज हम सीधे अपने गांव खमोली नहीं गए, बल्कि आज भी मैं एक बार फिर आ चुका हूं अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग में। और जैसे यहां पर पहुंचा तो यहां अपने मामा जी हैं जो कि सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। और यहां दिखाऊं तो यहां पर नानी है। नानी हेलो। हेलो क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और यहाँ अंदर देखिए किचन में मामी जी लगी हुई है रोटी बनाने पे, वो भी कुर्सी में बैठ गए। तो घुटनों की बीमारी ना मतलब हर जगह आजकल देखने को मिल रही है। तो चलो मामी जी यहाँ पर रोटी बना रहे हैं और एक सब्जी तो बन के तैयार हो चुकी है, दूसरी सब्जी की तैयारी अभी मामा बाहर में कर रहे हैं। तो चलो अभी हाथ मुंह धोते हैं और आज यहीं रुकने वाले हैं। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को अब मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड जय भारत जय श्री केदार। बाय बाय टाटा।